मनीष कोरिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ इसलिए प्रतिबद्ध जताई थी क्योंकि उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला था। सुनील शेट्टी इस परियोजना का हिस्सा थे और बाहर होने से पहले उन्होंने फिल्म के लिए कुछ शूटिंग की थी। इसी भूमिका के लिए मुकुल देव से भी संपर्क किया गया था। केसी वॉकड़िया द्वारा सम्मान की गई वित्तीय समस्या के कारण यह फिल्म अपनी वास्तविक इच्छित रिलीज तिथि से लगभग एक साल बाद रिलीज हुई थी। 70 और 80 के दशक की फिल्मों में अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार निभाने वाली निरूपा रॉय की आखिरी फिल्म थी। शिल्पा शेट्टी के रोल के लिए सबसे पहले रवीना टंडन को अप्रोच किया गया था। इस फिल्म के लिए सनी देओल से संपर्क किया गया था लेकिन उस समय उनका शेड्यूल काफ़ी व्यस्त था, जिसके बाद आखिरकार अमिताभ बच्चन को साइन किया गया। गाना पतिये ये रिकॉर्ड किया गया था और फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के बाद बहुत बाद में जोड़ा गया था। शिल्पा शेट्टी और मनीषा कोइराला के साथ रोमांस करने के लिए बच्चन की काफ़ी आलोचना की गई है क्योंकि उनकी उम्र 57 साल थी। साउथ इंडियन एक्ट्रेस राधिका शरद कुमार आज का अर्जुन के बाद दूसरी बार अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई है। इस फिल्म में वे भाई बहन थे जबकि इस फिल्म में सबसे बड़े अमिताभ बच्चन पति की भूमिका में है जबकि छोटे बेटे का किरदार राधिका शरद कुमार ने निभाया है। फिल्म पूरी तरह तैयार होने के बाद एक आइटम गीत के साथ कुछ अतिरिक्त रुचि जोड़ने के लिए नगमा का आइटम नंबर पतीले पतीले जोड़ा गया था। पतीले हमका गोरिया गाने के बारे में अमिताभ ने कहा कि कुछ हिस्सों में गाना बीच बीच में सवार देना यूपी के लोक गीत में जो मैं अपने पिता से सुनता था। नवा खपरेला की तरह खंड और कोना रंगे मोतिया जिसे उज्जुक महिला गाती है मैंने गाने का आनंद लिया था। अमिताभ ने 1996 में 4 करोड़ की अतपस्य राशि के लिए फिल्म साइन किया था। यह AVCL का करदाताओं का भुगतान करने के लिए किया गया था। फिल्म में रघुवर की आवाज़ को डब किया गया था। यह आखिरी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और निरूपा रॉय एक साथ थे, जिसमें दीवार से शुरू हुई और उनकी जोड़ी के 20 से अधिक वर्षों तक अंत हो गया। जयाप्रदा की जगह राधिका शरद कुमार ने ले ली थी। बद्रीनाथ की लुड़निया गाने की धुन पहले फिल्म लालवासा के गाने पतले हमका के एक छोटे से हिस्से में सुनी गई थी। मूल गाना पिंजरे में लिया मुनिया फिल्म तीसरी कसम से अमिताभ, शिल्पा और मनीषा के एक साथ अभिनय वाली एक पात्र फिल्म है। यह फिल्म कनाडा और नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। इससे अधिक उम्र के अमिताभ बच्चन के साथ मनीषा कोइराला और शिल्पा शेट्टी ने काम किया था। अंतिम फिल्म जहां महेश आनंद ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्मों में काम किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही लेकिन अमिताभ बच्चन के बिहारी उच्चारण के कारण यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में इसने अच्छा प्रदर्शन किया। लालवासा और बड़े मियाँ छोटे मियाँ मुख्य भूमिका वाली अमिताभ बच्चन की आखिरी फिल्म थी। उन्होंने अपनी अगली रिलीज मोहब्बत में अपनी छवि बदल दी थी। मेजर साहब का गाना सोना सोना दिल मेरा डोना मूल रूप से लालवासा के लिए रिकॉर्ड किया गया था। चूंकि निर्माता इसका उपयोग नहीं करना चाहते थे इसलिए इसका उपयोग मेजर साहब ने किया था। लालवासा की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी को याद आया कि लगभग 25 साल पहले उन्होंने नवागतु के रूप में सुनील दत्त की रेशमा और के लिए उसी स्थान पर शोर किया था। फिर सुनील शेट्टी का किरदार हटा दिया गया था। करीब 25 साल तक निरूपा रॉय ने दीवार से लेकर लालवासा तक अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया है। अग्निपथ के गाने अली बाबा में अमिताभ ने शक्ति कपूर के साथ कुछ शॉट लिए थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं की है। उन्होंने पहले ग्रेपस्टर में एक साथ अभियान किया था। अग्निपथ के बाद 9 साल बाद वे लालवासा में एक साथ दिखाई दे गए। यदि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उन्होंने अग्निपथ में किसी भी स्वाद का मदन प्रदन क्यों नहीं किया तो गिरफ्तार के 14 साल बाद अमिताभ और शक्ति कपूर ने एक साथ एक उचील फिल्म की जहां वे लालवासा में एक दूसरे के साथ स्वादों का आदान प्रदान करते थे। ये एकमात्र फिल्म है जिसमें अमिताभ अमिताभ बच्चन के लिए गाना गाया है। आखिरी फिल्म होगी जिसमें अमरीश पुरी अमिताभ बच्चन की फिल्में में मुख्य प्रतिनिधक की भूमिका निभाएगी। वह आगे चलकर अमिताभ बच्चन की फिल्मों में मोहब्बत लेकिन एक सख्त पिता के रूप में और अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन पे सजा नहीं करेंगे। देव और लक्ष्य में अमिताभ अभियान करेंगे। सिलसिला के गाने रंग बस से 0.52 पर अमिताभ के गाने से ठीक पहले अंतिम ढोलक की थाप सुनी जा सकती है। उसी सटीक ढोलक की धुन बीटों को अमिताभ बच्चन ने फिल्म लालवासा में 42% बजे पतले हमको गाने में स्वाद पर तैयार उदाहरण दोहराया था।